हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर सेवेंथ लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। इन लास्ट लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिमेंबर द एटमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। सो आफ्टर इट वी हैव सीन द क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 2.5 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन। ओके, सो सॉल्यूशन क्या था इसका? टोटल चार्ज इन फेराडे, हमको किस में निकालना है चार्ज? फेराडे में निकालना है। ये दिया नहीं है, आप कूलम में भी निकाल सकते हैं, फेराडे में भी निकाल सकते हैं ना। अगर आपका चार्ज फेराडे में आ जाता है तो उसको 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उतना कूलम चार्ज बन जाता है, ठीक है ना। और एक फेराडे चार्ज कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक फेराडे आ जाता है। मतलब जैसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक कूलम से बहुत कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 6.022 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कब बनेगा? जब 6.022 × 10⁻²³ से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा? तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 × 10⁻²³। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। जब ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा आता है 96487 आता है, लेकिन इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली में, मतलब ये आपका कन्वेंशन है, 96500 कूलम लिया जाता है। मतलब 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? इतना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? 1 मोल मतलब जो एवोगैड्रो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से तो वो कितना आ जाता है? 96500 कूलम आ जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग टोटल चार्ज इन फेराडे निकालेंगे। फेराडे से हम कहीं भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना, हमको अभी फिलहाल फेराडे में समझना है। तो टोटल चार्ज ऑन 2.5 मोल्स ऑफ PO4 3- आयन, ठीक है। तो एक आयन पे हमको दिख रहा है 3- का 3 चार्ज है तो 2.5 मोल पे कितना होगा, है ना। तो टोटल चार्ज इन फेराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। एक आयन पे कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना नंबर ऑफ मोल है, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाता है फेराडे का, मतलब फेराडे में चार्ज निकल जाता है। तो टोटल चार्ज इन फेराडे कितना हो जाएगा? टोटल मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन वन आयन कितना है? एक आयन पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है ना, तो 3 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो ये नंबर और ये नंबर मोल जब मल्टीप्लाई होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो फेराडे में बदल जाता है, ठीक है। तो जब इसको टोटल मल्टीप्लाई किया तीनों को तो वो कितना आ गया? 7.5 फेराडे आ गया। ये 2.5 मोल लिखने का मतलब ही क्या है? 2.5 × 6.022 × 10⁻²³ इससे मल्टीप्लाई होकर के फेराडे बन जाएगा, है ना। और ये 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी 7.5 फेराडे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 0.5 मोल्स ऑफ अजाइड आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है ना। नाइट्राइड आयन क्या होता है? N3- होता है, मतलब नाइट्रोजन पे 3 का माइनस चार्ज है। और अजाइड आयन क्या होता है? नाइट्रोजन पे -1 का चार्ज, लेकिन वहाँ पे कितने नाइट्रोजन होते हैं? 3 नाइट्रोजन होते हैं, N3- होता है ना। और हाइड्रोजोनियम जो आपका है उसी से निकलता है, ये सब हमने पहले भी आपको समझाया है जब इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे तो उसमें समझाया था कि अजाइड आयन कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो अजाइड आयन पे -1 का चार्ज होता है, 3 नाइट्रोजन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? नाइट्राइड में 1 नाइट्रोजन होता है और उसमें -3 का चार्ज होता है। ये कहाँ मिलता है नाइट्राइड आयन? जैसे मान लीजिए अमोनिया बना है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे, तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है और 1-1 प्लस हाइड्रोजन पे आता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर हाइड्रोजन तीनों निकल जाए तो क्या बनेगा? क्या बचेगा? N3- बचेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन, ठीक है। सॉल्यूशन, चार्ज इन फेराडे का हमने फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हों उसको चार्ज ऑन वन आयन, एक आयन पे कितना चार्ज उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेराडे में चार्ज निकल आएगा। तो टोटल चार्ज इन फेराडे क्या हो जाएगा? मोल कितना दिया हुआ? 0.5, ठीक है ना। और एक आयन पे चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 3 यहाँ लिख दिया है ना। अब यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते थे, 0.5 × 6.022 × 10⁻²³ इधर लिख देते हैं और यहाँ पे 3 × 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाता, तो 6.022 × 10⁻²³
सॉरी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई होकर के वो फैराडे में चेंज हो जाता, और 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो 1.5 आ जाता, तो 1.5 फैराडे आ जाता है चार्ज। अब 0.5 मोल लिखने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मोल का मतलब ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे चार्ज ऑन वन आयन का मतलब क्या है, एक पे तीन लिखने का मतलब क्या है कि तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं इधर मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इधर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम मिल करके फैराडे बन जाएंगे, और ये दोनों नंबर मिल करके 1.5 बन जाएगा, इतना फैराडे चार्ज आ जाएगा। अब कोई पूछ ले हमसे कितना कूलम चार्ज आएगा, तो तुरंत एक फैराडे में कितने चार्ज होते हैं 96500 कूलम, तो डेढ़ फैराडे में कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 96500 कूलम आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। फिर कोई कहे कि बताइए चलिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अभी हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा बच्चों। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। अब हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे तो देखिए मोल में दिया था नंबर सीधे, है ना, और हमने उसको फैराडे में चार्ज निकाल लिया। मोल को हम इलेक्ट्रॉन के मतलब जितना चार्ज दिया रहेगा एक आयन पे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा फैराडे में चार्ज आ जाता है ना। बात समझ में आ रही है, जितना भी गिवन मोल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक आयन पे कितना चार्ज है, तो 0.5 इंटू 3, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है 3, ठीक है, तो वो हमारा फैराडे में चार्ज आता है, डेढ़ फैराडे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमको मोल नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है ग्राम में दिया है, इस बार नाइट्राइड आयन ग्राम में दिया, तो हम जानते हैं ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, तो टोटल चार्ज इन फैराडे का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, बहुत लेंदी मेथड से बचना है तो डायरेक्ट यूज करिए। टोटल चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन वन आयन, तो कितने मोल है मालूम नहीं, चार्ज एक आयन पे कितना है 3 का, ठीक है ना, -3 नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ये 3 का ही चार्ज है। मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो कभी भी प्लस और माइनस में नहीं लेना चाहिए कैलकुलेट करते समय, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो, वो बराबर होता है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 3 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ही मोल मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑन फैराडे आ जाएगा, चार्ज इन फैराडे आ जाएगा। तो हम मोल कैसे निकालें, तो मोल का फॉर्मूला हमने 3 बताया था आपको कि मोल क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं उसको स्टैंडर्ड 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर ऑफ मास जो है डिवाइड कर देंगे उससे हमारा मोल आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग जब गैस के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है ना, वो भी जान लीजिए। जो भी मतलब गिवन वॉल्यूम होगा गैस का डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से तो हमारा मोल आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, वेट कितना दिया 14 ग्राम, ग्राम में है ही, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 14 ग्राम ऊपर लिख लिया। अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास की यूनिट होती है, ग्राम पर मोल ये मोलर मास का अपना यूनिट होता है। अभी मैं आगे ये सब चीज़ें मोलर मास रिलेटिव मास ये सब सारी चीज़ें अभी इसी लेक्चर में कवर करा दूंगा, ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन अब आप लोग मोल पढ़ने के बाद उस चीज़ को समझने के लिए आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना दिया है 14 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या बच्चों, एक मोल अगर हम नाइट्राइड आयन लेंगे या नाइट्रोजन लेंगे तो कितना आएगा 14 ग्राम मिलेगा। एक नाइट्रोजन लेंगे सिर्फ एटम, एक नाइट्रोजन एटम, ये माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं होता बच्चों, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या ऐड हो जाना इससे कोई वेट में फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे n-3 लिखा रहा है नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज हो या सिर्फ नाइट्रोजन लिखा रहा है, उसका वेट बराबर होगा बच्चों। कब बदलता है वेट, अगर प्रोटॉन निकाल दिया जाए न्यूट्रॉन निकाल दिया जाए तब वेट बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन या रिमूवल पे कोई भी मास नहीं बदलता है। तो 14 ग्राम पर मोल नाइट्रोजन का भी मोलर मास है, 14 ग्राम पर मोल नाइट्रो मतलब ये नाइट्राइड आयन का भी क्या होता है मोलर मास होता है, और ग्राम पर मोल का मैंने मतलब बता दिया कि अगर एक मोल नाइट्राइड आयन लेंगे तो वो कितना ग्राम होगा 14 ग्राम, अगर एक नाइट्राइड आयन लेंगे तो 14 AMU होता है, ठीक है बच्चों, AMU ग्राम से बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए तो मोल कैसे निकलेगा, 14 ग्राम अपॉन 14 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया 1, और मोल ऊपर आ गया, एक मोल यानी कि है हमारे पास नाइट्राइड आयन। अब एक मोल आ गया नाइट्राइड आयन तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन वन आयन, यही तो फैराडे में चार्ज निकल जाता है, डायरेक्ट फार्मूला बताया टोटल चार्ज इन फैराडे नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन वन आयन, तो हमारा कितना आ गया
तीन फैराडे चार्ज आ गया। अब यहाँ पे माइनस से कन्फ्यूज मत होइएगा, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं माइनस और प्लस का। चार्ज कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, यहाँ माइनस थ्री फैराडे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल चार्ज इन फैराडे ऑन 290 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन। फिर वही बात हो गई, यहाँ पे मोल नहीं दिया है ना, हमको चार्ज ऑन वन आयन तो पता है कि प्लस वन का है, ठीक है, प्लस वन मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसका भी होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि कितना मोल सोडियम प्लस आयन है ये निकाल लेना, हमको ग्राम दिया है और हम मोल में निकाल लेंगे। मोल निकाल लेंगे तो चार्ज पता ही एक आयन पे कितना है, हमारा काम बन जाएगा। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है, 230 ग्राम यहाँ आ गया। अब हमारा क्या है, नीचे मोलर मास आएगा। तो हम जानते हैं कि सोडियम का मोलर मास कितना होता है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये हमारा इवन है या ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23, यानी कि जो सोडियम का मोलर मास होता है वो 23 होता है। 23 ग्राम पर मोल का मतलब है, अगर एक मोल हमने सोडियम लिया है या सोडियम आयन लिया है तो वो 23 ग्राम होगा। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना ज़्यादा एटम लेंगे सोडियम का या आयन लेंगे तब जाके वो 23 ग्राम होगा, ये मोलर मास का मीनिंग होता है। तो इतना वेट दिया है, इतना ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ गया और ये 10 टाइम जाएगा। देखिए 23 इंटू 10 230 होता है, यानी 10 मोल्स हमको दिए हैं सोडियम प्लस आयन के। अब मोल निकल गया तो फैराडे में चार्ज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू चार्ज ऑन वन आयन। तो टोटल चार्ज इन फैराडे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू चार्ज ऑन वन आयन। वन आयन पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या एक प्रोटॉन का कहिए, एक इलेक्ट्रॉन का कहिए, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होता है। तो 10 इंटू 1 10 फैराडे का चार्ज होगा 290 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन पे। टोटल चार्ज इन फैराडे आपका 10 फैराडे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि चार्ज को कूलम में करिए तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी फैराडे होगा उसको 96500 में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा, फैराडे से कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चार्ज 10 फैराडे है, अगर उसको कूलम में करना है तो 10 × 96500 कर देंगे तो 96500 कूलम आपका आंसर आ जाएगा, अगर चार्ज कूलम में निकालने को कहते तो। ठीक है बच्चों, चलिए हाय नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जितना ज़्यादा इस पे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप में एक्सपर्टीज आएगी। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके 11th से ही रिलेटेड है, नहीं, मैं इसलिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा और मतलब एक पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मूल कॉन्सेप्ट मेरा हर हाल में ये उद्देश्य होगा कि आप लोगों को 100% कमांड होना चाहिए, क्योंकि जिसकी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है ना बच्चों, 11th के ऑनवर्ड वो पढ़ाई उसकी अच्छे से चल नहीं सकती, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री उसको सही से न समझ, काफ़ी जगह दिक्कत आएगी। आप फिजिकल छोड़ दीजिए, आप यकीन मानिए कि जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि मोल कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, मोल को मैं थोड़ा लेंदी पढ़ाऊंगा, इसमें नो डाउट। जो बच्चे थोड़ा भी लगता हो कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोल शॉर्ट में पढ़ाइए, वो छोड़ दें, वो ना पढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मुझे मालूम है ये चीज़ कि मोल कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे मेरी तरीके से पढ़ाने दीजिए और पढ़िए, ध्यान से देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ अजाइडाइन। देखिए अजाइडाइन हमने बोला था नाइट्राइड एन पे क्या है, 3 का माइनस चार्ज, नाइट्रोजन पे 3 का माइनस चार्ज, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन और 1 माइनस चार्ज है। अजाइड आयन में क्या फ़र्क है, अजाइड आयन क्या होता है, 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस चार्ज होगा, और नाइट्राइड आयन क्या होता है, 1 नाइट्रोजन पे 3 का माइनस चार्ज होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो कितना क्या चार्ज क्या कैलकुलेट करना है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मोल अजाइड आयन में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन वन अजाइड आयन कितने होंगे, एक अजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देखिए 3 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 नाइट्रोजन एक ही आयन में है, तो कितने हो गए एक आयन में इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 × 21। ठीक है, और एक माइनस का भी चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि 22 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे एक अजाइड आयन में। और क्या पूछ रहा है, एक मोल अजाइड आयन में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अजाइड आयन में मैंने जोड़ दिया कितना होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन वन अजाइड आयन,
सेवन इंटू थ्री, सात तो एक नाइट्रोजन पे होते हैं, तीन नाइट्रोजन है और प्लस एक अलग से जो माइनस दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है एक अजाइड आयन में। अगर ऐसे ही कहें दो जो है अजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 22 तीन बार, ये हाइपोथेटिकल है ठीक है ना, बीच का। अगर हमसे कोई पूछ ले कि तीन अजाइड आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 × 22 होता है, ये स्किप करिए। हमसे पूछा कितना है इलेक्ट्रॉन इन वन मोल अजाइड आयन, एक मोल अजाइड आयन में कितना होता है, तो एक मोल में कितना नंबर होता है, जितना आप बढ़ाते हैं इधर उतना इधर से मल्टीप्लाई करना रहता है। आपने एक से कितना मल्टीप्लाई किया है तब मोल बना है, 6.022 × 10²³ से मल्टीप्लाई करेंगे जब एक अजाइड आयन को, तब वो मोल में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब इधर मोल को में बनाने के लिए इतने से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक मोल अजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वन मोल इंटू 22 इलेक्ट्रॉन एक आयन के जो होते हैं उसको मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल इधर है तो एक मोल इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना। तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं, इतने नंबर होते हैं 6.022 × 10²³ इंटू एक अजाइड आयन पे कितना है 22 ठीक है ना। तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 1.32 × 10²25 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। आप सीधे कर सकते थे, एक अजाइड आयन पे निकाल लिया 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल अजाइड आयन पे कितना होगा, तो एक मोल जितना भी नंबर होता है एक मोल में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अजाइड आयन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10²23। इतना लेंदी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाइए, यहीं से आप स्टार्ट करिए कि एक अजाइड आयन में इतना इलेक्ट्रॉन होता है तो एक मोल में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा आपका ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 42 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। अब क्या कह रहा है, अजाइड आयन का 42 ग्राम दिया हुआ है, अब इसको आप लोग सेल्फ समझिए ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझने के लिए भी छोड़ दूंगा, मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि 42 ग्राम को आप क्या करेंगे, पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। और देखिए मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट, वेट कितना दिया हुआ है 42 ग्राम, अपन मोलर मास, अजाइड आयन का मोलर मास कितना, एक नाइट्रोजन पे कितना मास होता है 14, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सर कहेंगे, आप अभी पूछ सोचेंगे कि सर आपने तो बोला था ऑड आएगा नंबर एटॉमिक नंबर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करना रहता है। तो याद करिए बच्चों, 147 और जो भी हमने एक्सेप्शन बताए थे वो ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है 147 17 18, एक नहीं लिखा है लेकिन एक भी क्या होता है एक्सेप्शन होता है। तो 7 जो है एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन का कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं ऐड होगा एटॉमिक नंबर में, नाइट्रोजन का सीधे आप 2 से मल्टीप्लाई करिए एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास आ जाएगा ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 42 ग्राम जो है अजाइड आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने पहले इसका मोल निकाल लिया। कहीं भी कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछे ना, मोल निकाल लीजिए पहले। मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 42 ग्राम दिया है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, एक नाइट्रोजन का 14, तो तीन नाइट्रोजन का कितना होगा 42, और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स जो होता है मास इसका कम होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन के मास को हम लेते हैं और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को कभी ऐड नहीं करते हैं ना। तो नाइट्रोजन का अगर 14 मास है तो 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तब उसका 14 मास है। इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास नहीं कैलकुलेट किया जाता है, किस स्टैंडर्ड के लिए, सिर्फ 11th के लिए ठीक है ना। अभी आगे आप जाएंगे तो हो सकता हो कुछ होता हो, अभी के लिए आपको ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ऐड होगा ठीक है। अभी मैं उसका भी मास बता दूंगा कैसे क्या करना है, लेकिन इसमें मोल में कभी ऐड नहीं किया जाता है। चलिए, गिवन वेट 42 ग्राम, मोलर मास इसका टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा 42 ग्राम पर मोल, एक मोल अगर अजाइड आयन लेंगे तो वो 42 ग्राम आएगा, तो 42 से 42 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आ गया, वन मोल आ गया, यानी कि 42 ग्राम अगर अजाइड आयन है तो वो कितना है, एक मोल है अजाइड आयन ठीक है बच्चों। फर्दर कैलकुलेशन इज लाइक सेम द अबव क्वेश्चन, आगे का क्या कर लेंगे, आगे जैसे सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो एक अजाइड आयन में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल में कितने होंगे, तो 6.022 × 10²23 से 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यही आंसर आ जाएगा ठीक है ना। तो पिछली बार क्या दिया था, डायरेक्ट मोल दिया था हमको, एक मोल दिया था और हम लोग निकाल लिए थे। यहाँ पे क्या 42 ग्राम दिया है, तो हम लोग पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22, एक अजाइड आयन में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मोल में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में कितने नंबर होते हैं हमको मालूम है, 6.022 × 10²23 नंबर होते हैं। आज समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। तो ये तो आप लोग देखिए, सेल्फ करिए कि सबसे पहले ग्राम में दिया है तो आप क्या निकालेंगे, उसका मोल निकालेंगे, 0.1 मोल आएगा ठीक है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और एक अजाइड आयन में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0.0
0.1 मोल आयन में, मतलब एजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल से, और 0.1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10^23 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। तो 0.1 मोल, ये पूरा 0.1 इंटू इतना नंबर ले करके 0.1 मोल बोला जाएगा, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे किस पे, 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन में। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन्स। तो फॉस्फेट आयन में हम लोगों को क्या निकालना है, 2.5 ग्राम दिया हुआ है फॉस्फेट आयन, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। 2.5 ग्राम फॉस्फेट आयन कितना मोल होगा, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है, 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना है फॉस्फेट का, है ना। तो फॉस्फोरस का कितना होता है बच्चों, 30, और 31 आएगा इसका क्योंकि ये ऑड है, 15 × 2 30, और ऑड होने की वजह से 1 ऐड हो जाएगा, हाँ 31 आएगा इसका। देखिए ट्रिक से आपको कभी भी दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूल भी जाएंगे तो आपको याद पड़ जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 16 × 4 64 प्लस 31 95 हो गया इसका मोलर मास। बात समझ में आ रही बच्चों। तो गिवन वेट 2.5 ग्राम, मोलर मास 95 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब 2.5 को जब 95 से डिवाइड करेंगे 0.026 आएगा, तो मोल ऊपर चला जाएगा, 0.026 मोल है हमारा फॉस्फेट आयन का अगर 2.5 ग्राम लेते हैं तो। तो इलेक्ट्रॉन इन वन फॉस्फेट आयन कितना है, तो फॉस्फेट आयन देखिए फॉस्फोरस में कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, 15, यानी 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन देखना है तो फॉस्फोरस की वजह से 15 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, तो 4 ऑक्सीजन है तो 8 × 4 = 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वजह से, 15 इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, फॉस्फोरस की वजह से। ठीक है, कितना हो गया, 32 और 15 47 हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन इस पे 3 − 4 जाने की वजह से, यानी टोटल कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन एक फॉस्फेट आयन पे है। तो इलेक्ट्रॉन इन वन फॉस्फेट आयन कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन 0. इतने मोल फॉस्फेट आयन पे कितने हो गए, इसको मोल में आप मतलब मोल को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मोल पता चलेगा, 0.026 × 6.022 × 10^23 का मतलब क्या है, 0.26 मोल। ठीक है, और मतलब एक आयन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 50, तो 50 × this much नंबर, ये क्या हो जाएगा, इतने मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इतने मोल फॉस्फेट आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चों, बहुत आसान है, एक बार और जान लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना वेट दिया है उसका हम मोल निकाल लेंगे। तो देखिए गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इतना मोल आ गया, मोल का मतलब मोल हटाने का मतलब क्या, 6.022 × 10^23 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक फॉस्फेट आयन पे कितना है, तो हमने निकाल लिया था फॉस्फोरस की वजह से 15, ऑक्सीजन की वजह से 32 15 47, और 3 इस माइनस की वजह से 50। एक फॉस्फेट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मोल फॉस्फेट पे कितने होंगे, एक पे 50 है तो इतने मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 × इतना मोल, और ये मोल कब हटता है, जब 6.022 × 10^23 से मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये कैलकुलेशन किया तो आपका जो आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, चाहे कैलकुलेटर यूज कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, अब क्या कह रहा है कि टोटल मास कैलकुलेट करिए, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, और किस में कैलकुलेट करना है, केजी में, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। तो हम जानते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10^-31 केजी एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इतना कम, यानी वन के नीचे यहाँ पे वन के बाद 31 जीरो आएंगे। बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 9.1 × 10^-31 केजी का मतलब क्या हुआ, 9.1 × 10^31 का मतलब क्या है कि 1/10^31, ठीक है ना, केजी। यानी ये बहुत बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, तो केजी के मतलब केजी का एक किलोग्राम से बहुत छोटा मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास केजी में थोड़ी ना जाएगा, मतलब एक किलोग्राम थोड़ी ना होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास एक किलोग्राम से इतना छोटा है, ठीक है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 9.1 × 1 के नीचे कितना आएगा, 1 के बाद 31 जीरो, तब केजी, मतलब एक केजी को इतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे तब एक इलेक्ट्रॉन का मास आता है। ये फील कराने के लिए बस बताएं, वैसे 9 से ही आप लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे है ना बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10^-31 केजी, यानी बहुत छोटी वैल्यू होगी, एक किलोग्राम से कई अरब खरब गुना छोटी,
मतलब 1 किलोग्राम को छोटा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एकदम दिखाई ना दे, है ना। तो इतना होता है 9.1 × 10⁻¹⁹ kg, ठीक है बच्चों। तो मास 1 इलेक्ट्रॉन का इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 2 × इतना, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 3 × दिस मच नंबर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का नंबर मास बताइए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल कितना होता है यही तो होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 554.6 × 10⁻¹ kg। 10⁻¹ का मतलब 1 किलोग्राम को 1 के बाद 8 जीरो से डिवाइड कर दीजिए, है ना। मतलब ये करोड़ों से डिवाइड होने के बाद, 11,000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, अरब, मतलब बहुत बड़े नंबर से जब 1 किलोग्राम को डिवाइड करेंगे तब वो इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कहाँ गया ये, ठीक है। ये तो बहुत छोटा था, 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही छोटा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना केजी आएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन जानते हैं, 0.546 × 10⁻¹ कूलम, नहीं ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है बच्चों, ये हमको मतलब एक स्पेसिफिक नेम दे देगा इसलिए इस तरीके से कन्वर्ट किया गया। साइंटिफिक वैल्यू होती इसको 5.46 × 10⁻¹ की होते हैं तो हमारा वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। ये क्या है, इसको एक नाम देने के लिए, जैसे 0. ये डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट हुआ तो लेफ्टवर्ड जब भी डेसिमल शिफ्ट होता है तो पावर में कमी आती है। तो देखिए यहाँ पर -8 से -6 चला गया, यानी पावर में कमी आई, बड़ा मतलब बढ़ जाता है पावर, आप लोग जानते होंगे, हमने वो पढ़ाया था आपको साइंटिफिक नोटेशन जब समझा रहे थे तो उसमें बताया था कि जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो 10 की पावर बढ़ती है और जब राइटवर्ड डेसिमल शिफ्ट होता है तो 10 की पावर घटती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने शायद उल्टा बोल दिया। देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना तो पावर बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए तो मतलब ये 8 से -8 से -9 नहीं होगा बच्चों। बढ़ने का मतलब क्या है, जब 10 की पावर माइनस में होती है ना तो जब ये नंबर कम होता है तो मतलब पावर बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये बढ़ करके 10⁻¹ हो गया, है ना। माइनस में वैल्यू जब यहाँ पे पावर घट रही समझ लो वो बड़ा है इससे, ठीक है। तो 2 प्लेस इधर शिफ्ट हुआ तो 2 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, आप लोग इतना मैथमेटिक्स जानते होंगे बच्चों। तो इतना केजी आ गया, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना केजी आ गया। और ये 10⁻¹ को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, है ना, ये पढ़ाया था, डेसी, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको और फेमटो, ऑक्टो, जेटो, ये सब सारी चीज़ें जो है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी। अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था लेकिन आपको शायद 10⁻¹ पिको तक समझा दिया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0.546 माइक्रो केजी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, या ये याद कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए या साइंटिफिक नोटेशन में कर लीजिए, 5.46 × 10⁻¹ आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। लेकिन ये समझाने के लिए अच्छा है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रेंसन इंक्रीज करता है। चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वे 1 kg। पहले क्या बोला है, 1 मोल में कितना किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितना किलोग्राम होगा। और अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वे 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम अगर इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितना मोल हो जाएगा। पहले क्या पूछा था, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितना केजी होगा, तो वो इतना केजी हमने आंसर निकाला। अब क्या कह रहा है कि अगर हम 1 kg इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितना मोल होगा। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ये देखिए, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया गया था और कोई केजी में बताना था, यहाँ पे 1 kg इलेक्ट्रॉन दिया और मोल में बताना है, ठीक है। तो वी नो इन इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने केजी इलेक्ट्रॉन में 1 मोल होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला है कि अगर इतना केजी इलेक्ट्रॉन है 0.546 × 10⁻⁶ kg अगर हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो 1 मोल होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन से कर ले रहे हैं, नहीं तो अभी फिर से हमको बहुत लेंदी जाना पड़ेगा। मैंने समझा दिया ना बच्चों, यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मोल में कितना केजी होता है वो निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। देखिए तो 1 मोल में कितना केजी होता है, 1 मोल में इतना केजी होता है, तो 1 kg में कितना मोल होगा। अब 1 kg इधर रखिए, बाकी सारी वैल्यू इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा, इधर लाइए, 1 kg इलेक्ट्रॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉन में होगा, मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन ले कि 1 kg वेट बन जाए, इसका मतलब ये है। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब ये नंबर इधर जाएगा नीचे, तो 1/ दिस मच नंबर।
अब ये 10^-6 ऊपर आके 10^6 हो जाएगा, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन कब बनेगा, जब ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, 10^+6 हो जाएगा, है ना। और ये जीरो डेसिमल हटाने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर के क्या जाएंगे, 1.9 × 10^6 मोल्स आ जाएंगे। यानी इतना ज़्यादा मोल लेंगे ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इतना ज़्यादा वैल्यू लेंगे मोल में इलेक्ट्रॉन को, तब जाके वो 1 किलो होगा, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखता है, बहुत थोड़ा सा वेट रखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन ले लें तो बहुत ज़्यादा मोल्स हो जाएंगे। अब ये दोनों बहुत ही आसान भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करिए, आ जाएगा सब कुछ समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइडाइन। अब कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, मतलब इन फुट इतना ग्राम हमको दिया है क्या अजाइडाइन, और क्या कह रहा है कैलकुलेट मास, मास हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, हाँ। ये क्या कह रहा है, इतना ग्राम अगर हमने अजाइडाइन लिया है तो कितना मास हमको इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, और अजाइडाइन में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ होगा, उसको हटा करके आप बताइए कि कितने कितना मास इलेक्ट्रॉन का होगा अगर हमने इतना ग्राम अजाइडाइन ले लिया। तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, हमने बोला ना कि कुछ भी दे तुरंत पहले मोल में कन्वर्ट करिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन अभी हमको रहने दीजिए, पहले क्या करें हम कितना मोल है ये निकाल लें, साइड में निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपन मोलर मास, गिवन वेट कितना है 4.2, अपन मोलर मास कितना है 42 ग्राम पर मोल, ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 0.1 मोल, यानी कि अजाइडाइन कितना मोल है 0.1 मोल है। अच्छा एक अजाइडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 मोल अजाइडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, एक अजाइडाइन में 43 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 × 3, सॉरी कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, हाँ बच्चों यहाँ एरर था। देखिए इसको आप लोग सेल्फ कैलकुलेट करिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। पहले मोल निकाला 0.1 मोल आ गया, इसका ग्राम में दिया था, मोलर मास से डिवाइड किया, इसका मोल आ गया। एक अजाइडाइन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होता है एक नाइट्रोजन पे, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अलग से जो माइनस की वजह से, यानी 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे 43 आ गया, यानी कि 0.1 मोल अजाइडाइन में 22 × 0.1 × 6.022 × 10^23 होगा। बस इसको क्या कर लीजिएगा, 22 कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कैलकुलेट करने पे जो भी नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ अजाइडाइन, तो 0.1 मोल में कितना मास प्रेजेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो जो भी ये नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 × 10^-31 kg से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों एरर हो गया है, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, परेशान मत होइएगा, सेल्फ करने की कोशिश करिए ना, इतना कराया है, पहले इसको क्या करिए, कितना ग्राम है ना मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल जब आ गया तो एक अजाइडाइन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक अजाइडाइन पे 22 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 0.1 × 6.022 × 10^23 × 22 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 0.1 मोल में, है ना, 0.1 मोल अजाइडाइन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, इतना होता है, तो उतना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला उस पर कितना मास होगा, तो जो नंबर आएगा 22 × 0.1 × 6.022 × 10^23 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हिंट हमने दे दिया है, अब क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था एक, रिलेटिव मास, एटमिक मास, ग्राम एटमिक मास, तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों यहीं पे वीडियो स्टॉप कर दूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर भी बना रहा हूँ, 4-5 दिन कम से कम मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो बहुत लेंदी आज तो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बर्डन ज़्यादा अभी लेना अच्छी बात भी नहीं है। अभी स्वस्थ हुआ हूँ, अभी पूरी तरीके से हो भी नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी फिट महसूस कर रहा हूँ, तो रहने देते हैं बच्चों ना। अभी 2-3 लेक्चर और भी बनाने हैं, 9th, 10th, 12th है अभी, तो सब में थोड़ा थोड़ा आज 30-35 मिनट का ही लेक्चर बनाता हूँ। फिर नेक्स्ट जब मैं लेक्चर बनाऊँगा तो थोड़ा सा लेंथी बना दूँगा, ताकि आपका ज़्यादा कवर हो जाए। कोर्स की आप टेंशन मत लीजिए बच्चों, मैं पढ़ाऊँगा ज़्यादा और जल्दी जल्दी आप पढ़ाऊँगा, है ना, घबराइएगा नहीं बिल्कुल बच्चों, शांति से एकदम पढ़िए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लेगा, 4-5 लेक्चर ले लेगा तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट हर हाल में आप लोगों को एकदम 100% क्लियर होना चाहिए इस पर। अभी मैं ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको खुद मज़ा आएगा, है ना। जब सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ट हो जाएंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड, मतलब एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा,
जिससे आप लोगों को मज़ा आए सॉल्व करने में, खुद आपको चैलेंज लेने में मज़ा आए, है ना। तो अभी आप लोग अपना बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, ये सब क्वेश्चन समझ में आया, 80% आया, 60% आया, 50% आया, कोई बात नहीं बच्चों, जितना आया उतना बहुत है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग 10% की इंक्रीमेंट में ही आएंगे, यानी आप लोग 100% को अप्रोच करेंगे मेरे सारे लेक्चर्स देखने के बाद, आपको लगेगा हाँ मूल कॉन्सेप्ट का हमको 100% कमांड बन गया है। तो यही पैटर्न मैं बना रहा हूँ कि इस तरीके से करा रहा हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद मैं ज्वाइंट करके एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन कई दूंगा उसमें, है ना, उससे आप लोगों का पूरी भटक ही खुल जाएगी, है ना। मैं चाहता बहुत शॉर्ट में पढ़ा देता बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर फील लाना है, अच्छे से समझना है, एक्सपीरियंस करना है इसको, तो आप लोग मेरे साथ जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप बस ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोल आपने 100% कमांड बना लिया ना बच्चों, केमिस्ट्री में कभी डर नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।